फ्रेंड कैसे हो आप लोग यार। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सारे बताने वाला हूँ जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि वो लड़की आपसे पटना चाहती है। क्योंकि फ्रेंड अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी लड़की को लाइक करते हैं, देन हम उसे प्रपोज करने की भी सोचते हैं, पर हम उसे प्रपोज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम श्योर नहीं होते हैं कि वो लड़की हमसे वाकई में लाइक करती है, देन वो हमसे चाहती है पटना या नहीं। इसके कारण हम उसे कभी प्रपोज नहीं करते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो हमसे कभी सेट हुआ करती थी, बट अब इसने किसी और गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया, काश मैं उसकी जगह होता। तो फ्रेंड वो भी काश आप हो सकते हो मात्र इस वीडियो को देखकर। क्योंकि फ्रेंड मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सारे बताने वाला हूँ जिसको आप सही तरीके से पहचान लोगे, जान लोगे, तो कोई भी लड़की आपको पटना चाहेगी। क्यों? क्योंकि आप समझ जाओगे कि वो लड़की आपको लाइक करती है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए यार प्लीज़ यार एंड तक देखना। और हाँ, हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबा दो नोटिफिकेशन बेल को। और इतना ही नहीं फ्रेंड, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है मैंने, आप जाओ वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम पास करना शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड पॉइंट नंबर वन, देखो फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में जानना कि वो लड़की आपसे पटना चाहती है या नहीं, तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पहले ये पता लगाओ कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो फ्रेंड देखो, इंटरेस्टेड होने में आपको बहुत सारे साइन मिल सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको कुछ साइन बताने वाला हूँ, पहला साइन आपका ये हो गया कि क्या वो लड़की आपको देखती है, देन देखने के बाद कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करती जिससे आपको लगे कि अरे मेरे को देखने के बाद पिनक गई है या फिर गुस्सा हो रही है। नहीं, अगर फ्रेंड वो आपको देख के स्माइल करती है, आपको देखकर आई कॉन्टैक्ट बनाती है, तो हाँ फ्रेंड वो आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि इंटरेस्टेड होने का ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है। अब बात करते हैं अगले सारे की, जो कि फ्रेंड आपको बता सकता है कि लड़की आपसे पटना चाहती है या नहीं। तो फ्रेंड वो आपको ये करेगी कि आपसे हर एक पर्सनल बातें शेयर करेगी। पर्सनल का मतलब फ्रेंड कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा मत सोचना कुछ अंदर तक की बात है। क्योंकि फ्रेंड अभी आप उसके नॉर्मल से फ्रेंड हो, देन आपने उस पर अच्छा इंप्रेशन बनाया है, इसलिए वो आपसे अच्छी तरीके से बातें करती है और आपको अपनी पर्सनल बातें बताती है। अब वो बातें कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यार तुझे पता है मैं कल वहाँ मूवी देखने गई थी और वहाँ पर इतना मजा आया था ना कि मैं क्या बताऊँ तेरे को, काश तू भी होता। तो फ्रेंड आप इस जरिए से ये समझ सकते हो कि वो आप में वो चाहती है कि आप उसके लाइफ में आ जाओ, तभी ना वो आपको बोली कि यार काश तू भी होता वहाँ पर। तो फ्रेंड ये भी एक तरह का हिंट होता है जिससे आप जान सकते हो कि वो लड़की आपसे पटना चाहती है। अगला इशारा ये है कि देखो, अक्सर ये इशारा आप सबको मिलता है पर आप समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि ये कॉमन इशारे हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, ये कॉमन इशारे नहीं होते हैं। अगर लड़की आपसे बात करने के दौरान स्माइल करके बात करती है, जो कि फ्रेंड हर लड़की किसी के साथ स्माइल करके बात नहीं करती है, अगर आपको लगता हो ना कि ये कॉमन है तो नहीं फ्रेंड, ये कॉमन नहीं होता है। जब लड़की आपसे स्माइल करके बात कर रही हो तो जाहिर सी बात है उसके दिल में कुछ ना कुछ तो चल रही है ऐसा, जो आपको इंतजार नहीं कर पा रही है वो, पर अपने स्माइल के जरिए बता रही है कि हाँ वो आपको लाइक करती है। तो फ्रेंड आप इस इशारे को देख कर समझ सकते हो कि हाँ वो लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है। अब फ्रेंड एक इशारे में आपको और बताता हूँ जो कि आप लोगों के ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप किसी भी लड़की को प्रपोज़ करना चाहते हो, देन आप चाहते हो उसे कि मैं पटा लूँ, तो उसके लिए हमें ये कंफर्म ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम उसे प्रपोज़ करेंगे तो कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगी, कहीं वो अपने पर्सनल दोस्त को तो नहीं देगी, कहीं मेरा इंसल्ट तो नहीं कर देगी। तो आप अक्सर ऐसी बातें सोचकर उसे प्रपोज़ नहीं करते हो। तो उसका फ्रेंड देखो इशारा ये होता है, अगर लड़की आपको प्यार करती है हद से ज़्यादा, वो आपको इजहार नहीं करती है और आपको ऐसा लगता है कि हम उससे प्यार करती है, तो फ्रेंड वो आपकी बॉडी को टच करेगी। अब फ्रेंड वो टच करना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके बैक को टच करना, देन आपसे फ्रेंडली होकर बात करना, आपसे चिपकने के बाद उसको कुछ ज़्यादा अवॉर्ड सा नहीं लगना, आप उससे हैंडशेक करो ना करो पर वो आपसे हैंडशेक कर लेती है। अगर आप जैसे पहली बार ही अपनी क्लास में एंटर करते हो या फिर अपने ऑफिस में या फिर अपने कहीं भी ऐसे का वो आपको देख लेती है तो आपको वेलकम जरूर कहती है, जैसे कि आपको हाय हेलो बोलना, मतलब आगे से वो आपको अप्रोच करती है। तो फ्रेंड हाँ, इसका मतलब यही होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, देन आपको वो लाइक करती है। पर फ्रेंड आप समझना नहीं चाहते हो, अगर आप ये बात समझ जाओगे ना तो लड़की आपसे वो पटना जरूर चाहेगी। और क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे इसके नज़र के सामने। फ्रेंड ये सब इशारे आप अगर जान जाते हो सही तरीके से और आपको कोई दे रही है कुछ दिनों से, तो फ्रेंड वो आपसे पटना चाहती है, मैं 100% गारंटी लेता हूँ फ्रेंड कि वो आपसे पटना चाहती है। तो जाओ यार बिंदास उसे प्रपोज करो। पर फ्रेंड प्रपोज करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि आप उसके सामने जाओ तो एकदम फ्रेश होकर जाओ, लुक एक तब आपका अच्छा होना चाहिए, उसके सामने कभी आपका गलत इंप्रेशन नहीं पड़ा हो, तो ही आप उसको सही तरीके से इंप्रेस भी कर पाओगे और प्रपोज भी कर पाओगे। अपने माइंड में कुछ ऐसी गलत थिंकिंग मत रखना जिसके कारण आप उससे बात करने में थोड़ी भी हिचकिचाओ, नहीं तो लड़की को लगेगा आप उसके साथ प्रैंक कर रहे हो, जो कि वो आपसे बात करने में फिर उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। तो फ्रेंड इस बातों का ध्यान रखें। अगर आपकी वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फ्रेंड शेयर में करने को इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई आपका ऐसे फ्रेंड हो जो ऐसी सिचुएशन में जूझ रहा हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि उसको करना क्या चाहिए, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करके उसे बता सकते हो कि भाई देख तू ऐसा कर तो उसका काम भी आसान हो जाएगा। तो यार आपने इस वीडियो को अंत तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मिलते हैं अगली बार प्यारी से वीडियो के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।